लास्ट है ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। हालांकि ऑप्टिकल रोटेशन से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं, बट ठीक है, एक दो बार, तीन चार बार आ चुका है, तो हमारा काम है इसको फिर से एक बार पढ़ना अच्छे से और अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जनरली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का ही होता है, ठीक है। तो C12H22O11, ठीक है, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, H+ कंसंट्रेशन के साथ। तो C6H12O6+, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। ये मेरा क्या है, सुक्रोज है। क्या है मेरा, सुक्रोज है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो नेचर का है, किस नेचर का, डेक्स्ट्रो। ये क्या है मेरा, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। और ये है मेरा डेक्स्ट्रो नेचर का, ठीक है, ग्लूकोन डी जो हम पढ़ते पीते ना, वही है ये, ठीक है। और ये मेरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, ये मेरा लीवो नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, लीवो नेचर का होता है, ठीक है। क्योंकि डेक्स्ट्रो नेचर का, तो इसलिए प्लस अल्फा वन, एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन आपको पता है, अगर डेक्स्ट्रो के लिए प्लस होता है, लीवो के लिए माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस अल्फा टू हो जाएगा और ये माइनस अल्फा थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा थ्री। तो टाइम टी जीरो पे मुझे पता है ये ए नॉट होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। टाइम टी पे मेरा क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और टाइम इनफाइनाइट पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। मुझे स्टडी कैसे करना, सपोज करो ये मैंने तीन कंटेनर लिया, ठीक है, तीन कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, तीन कंटेनर अलग अलग टाइम पे, ठीक है। इनिशियल टाइम पे तीनों में मैंने क्या किया, यही रिएक्शन करा रहा, इनवर्जन ऑफ केन शुगर। क्या करा रहा हूँ, इनवर्जन ऑफ केन। अब इनको स्टडी कैसे किया जाता है, स्टडी ऐसे किया जाता है कि जब इनिशियल टाइम पे मैंने देखा, यहाँ पे इनिशियल टाइम पे जब मैंने इसको स्टडी किया, तो इसका मुझे अल्फा वन मिल रहा था। कितना मिल रहा था, एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा वन, मतलब तो उसको मैंने आर नॉट के फॉर्मेट में पढ़ा। यहाँ पे जब मैं देखा, तो इस केस में मुझे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो मुझे ओवरऑल मेजरमेंट देखना पड़ेगा कि नेट एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक है। जब मैं रोटेशन हम कैसे करते हैं भाई, किसी सॉल्यूशन पीपीएल फ्रेम पोलराइज्ड लाइट अगर हम पास करते हैं, तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो कोई भी रोटेशन नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मतलब इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं डेस्ट्रो लिवो फॉर्म का। तो कुछ नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हमें क्या करना था, एंगल ऑफ रोटेशन स्टडी किया था। और टाइम इनफाइनाइट पे एंगल ऑफ रोटेशन किस, देखो फिर से समझा रहा हूँ, टाइम जीरो पे एंगल ऑफ रोटेशन सिर्फ किसके वजह से होगा, सुक्रोज की वजह से होगा। टाइम टी इक्वल टू टी पे, मतलब टी इक्वल टू टी पे तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है, तो टी इक्वल टू टी पे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन किन की वजह से होगा, इसके इसके और इसके तीनों की वजह से होगा। और जब बहुत ज्यादा टाइम बीत गया, उसके बाद मैं स्टडी कर रहा हूँ एंगल ऑफ रोटेशन इससे कंटेनर, तो एंगल ऑफ रोटेशन इन दोनों की वजह से होगा। तो इसी तरीके से एंगल ऑफ रोटेशन हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं, हम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद लिख देता हूँ, तो काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय पासिंग, इज स्टडीड बाय पासिंग पीपीएल, पासिंग पीपीएल थ्रू द रिएक्शन मिक्सर, थ्रू रिएक्शन मिक्सर, थ्रू द रिएक्शन मिक्सचर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एंड एंगल ऑफ रोटेशन, एंड एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इक्वल टू जीरो। आर टी क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इक्वल टू टी, और आर इन्फिनाइट क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पे होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है के बराबर क्या होगा, वन बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, ये होगा। मुझे पता है थीटा बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन बाई लेंथ, यही होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा सी बाय एल, यही तो अल्फा होगा, स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो की बात करूं, t इक्वल टू जीरो की बात करूंगा तो r नॉट किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन होगा, तो अल्फा सी बाय एल, सी बाय एल हो जाएगा। ठीक है, सी एंड सी मेरा क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय एल। ठीक है, सी ए नॉट बाय एल पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरे इक्वेशन t इक्वल टू टी, अब तीनों की वजह से होगा तो आर टी बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा टू ए नॉट माइनस एक्स बाय एल प्लस ए टू अल्फा टू एक्स बाय एल प्लस अल्फा थ्री एक्स बाय एल। ठीक है, कंसंट्रेशन बाय लेंथ। ठीक है, और आर इन्फाइनाइट पे क्या होगा, t इक्वल टू इन्फाइनाइट मतलब आर इन्फाइनाइट पे किसकी वजह से, उसे बिंदु वजह से होगा, मतलब अल्फा टू सॉरी माइनस अल्फा थ्री हो जाएगा ना, ये माइनस अल्फा थ्री, तो अल्फा टू ए नॉट बाय एल प्लस प्लस माइनस ऑफ अल्फा थ्री ए नॉट बाय एल। ठीक है, तो दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, k इक्वल टू वन बाय टी, ये फॉर्मूला होता है r नॉट माइनस r इन्फिनिटी बाय r t माइनस r इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है एंगल ऑफ रोटेशन वाला, इसमें कुछ नहीं है। फिर ये तीनों चीजें दी जाएंगी, या तो टी पूछे या तो के पूछे, ये के टी आर नॉट आर टी देगा तो आर इन्फिनिट। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना बेटा, जनरली अब डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे आप ये जो तुम्हारा एडवांस वाला टॉपिक पे खत्म हो चुका 29-30, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उस पर फर्दर आपको कोई डाउट बता देनी फाइनेंस में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा कंसंट्रेशन का इफेक्ट था, रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है, वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो टॉपिक चालू होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चालू होगा, कि आखिर कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीन चार दिन का और टॉपिक बचा हमारा, उसके बाद टॉपिक क्या हो चुका, खत्म हो चुका। सो आज के लिए हम यहीं पे डिस्कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू वेरी मच।